अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग रह गया। जहान की तबीयत लास्ट वीक बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं एडिट कर पा रही थी और घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। अब मैंने सोचा कि मैंने अपनी रमज़ान टू डू लिस्ट बनानी है, ताकि मैं अपने घर को रमज़ान रेडी कर सकूँ, ताकि मुझे रमज़ान में बिल्कुल मैस वगैरह ना हो, मेरे पास ज़्यादा काम ना हो, मैं आराम से इबादत में टाइम सर्व कर सकूँ। इसलिए मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं सारे जरूरी काम लिख रही हूँ जो मैंने सोचे थे कि मैंने रमजान से पहले करने हैं। तो वो लिस्ट मैं तैयार कर रही हूँ, वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे। आपके साथ साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी कर सके। मेरे फ्रिज की हालत आज ये हुई भी थी। रोजों की तैयारी में सबसे मेन काम यही होता है कि आपकी फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि रोजों में इतनी चीजें आपने रमजान में बाय करनी होती हैं, ग्रोसरी की भी नई नई चीजें आ जाती हैं और फ्रिज बहुत ओवरलोड हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि रोजों से पहले पहले मैं ये काम भी कर लूँ। मेरी चेकलिस्ट में सबसे पहले नंबर पे काम ही जो है वो फ्रिज की सफाई था, क्योंकि इतनी ओवरलोड और मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कुछ खाली चीज़ें हैं जो ऐसी जो जरूरत भी नहीं है वो भी पड़ी हुई हैं। तो मैं इसको सारा क्लीन करती हूँ ऊपर से भी नीचे से भी, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये फ्रिज साफ करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप डिश वॉश लें और साथ मीठा सोडा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सिरका, ठीक है। अब जिस तरह फिर उसके बाद बर्तन धोने के लिए सोप यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, बिल्कुल उसी तरह इस स्पंज से मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह साफ कर लूँगी और उसके बाद उसको टॉवल से सूखे और गीले से साफ कर लूँगी। इससे इतने अच्छे तरीके से साफ हो जाता है और सेकेंडली बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती फ्रिज में से, और सारी जितनी भी बैड स्मेल्स होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं ऑर्डर जो आ रही होती हैं। ये देखिए कैसा मज़े का तैयार हो रहा है, ठीक है। इतने से मेरा सारा काम हो जाएगा, पूरी फ्रिज साफ हो जाएगी ऊपर नीचे। ये देखिए कैसा जवाब बन गया ना, ऐसे ही ये मैल को भी उगाल देता है। जितनी मैल कहीं लगी होती है कोई चीज़ ना, वो आपको ज़्यादा रगड़नी नहीं पड़ती, ऐसे ही साफ हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इससे मैं अच्छी तरह फ्रिज साफ करती हूँ। इसको मैं करूँगी, मैं नया स्पंज लेके आई हूँ, वो वाले स्पंज से कुछ उतर ही नहीं रहा था। अब ये देखें मज़े से साफ हो गया। देखिए आप इसको लगाए हुए ना तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको जैसे ही साफ़ करूँगी ना, इसके साथ गीले तौलिए के साथ पहले करूँगी, फिर सूखे तौलिए के साथ करूँगी, हर चीज़ बिल्कुल वाइट और साफ निकल आएगी। खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह से अब सारा सेट हो गया और रमज़ान मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। हर चीज़ के लिए मैंने अलग स्पेस बना लिया। रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं और मैं सारे घर को ना साफ तक करना चाह रही हूँ, इसीलिए अब हर चीज़ के कवर वगैरह उठा के सब वॉश होगा, सब कुछ धुलेगा और नया बिछेगा। रमज़ान के लिए कमरा प्रिपेयर कर रही थी तो एकदम से आइडिया आया कि मैं जो कर्टन्स हैं वो सारे चेंज करती हूँ। पहले ब्राउन कलर के लगे हुए थे, अब ये वाले ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि ये हमारे बेड वगैरह से हर चीज़ से बहुत मैच करते हैं। अलमीरा है वो है जिंक और बेड है ब्राउन, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ बिल्कुल सही जाएंगे। तो ये अब वॉश हो चुके हैं और ड्राई भी हो गया, अब इनको हैंग करते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह डन हो गया ये मेरा पर्दे वाला काम, और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। जिंक सा ये हमारा ऐसा सीलिंग का डिज़ाइन भी है और बेडशीट्स वगैरह भी साथ जा रही हैं और अलमीरा का डिज़ाइन भी, और बेड का भी बीच में हल्का हल्का टच आ गया, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। कमरे के तो हो गए थे चेंज कर्टन्स, अब मैं सोच रही हूँ कि इनको भी उतार के वॉश कर लेती हूँ और इनकी जगह लगाती हूँ कोई लाइट से कलर का, जिस तरह ये मेरे सोफ़ास का कलर है ना, इससे मैचिंग कुछ यहाँ पे लगाती हूँ ताकि अच्छा लगे, क्योंकि ये सीनरी भी जिंक है और साथ ये जिंक पर्दा अच्छा नहीं लग रहे। मेरा दिल कर रहा है कि इनसे मैचिंग हो जाए कुछ यहाँ पर पीछे, तो मैं इसको क्विकली से चेंज करती हूँ। देखें अब ये इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है, सोफ़ा के साथ मिलता जुलता कलर है और एक जैसी स्कीम बन गया यहाँ की। अब इसकी भी सफाई करती हूँ। सेट हुआ गया, कितना खूबसूरत लगता है, ऐसे ही दिल को ही ज़्यादा सुकून हो जाता है अगर घर सारी सिर्फ सेट हो जाए तो। चौथा काम मेरा ये था कि मैं सारी अलमारियाँ साफ करूँ, तो मैंने सारी एक दफ़ा पूरी अरेंज कर ली, क्योंकि पूरे रोज़ों में दोबारा मेरी कपड़ों को छोड़ने की हिम्मत नहीं होती कि मैं कपड़े छेड़ूँ उनका काम करूँ। कुरान पाक माशाल्लाह से मैंने बिल्कुल फ्रंट पर रख दिया, उसके लिए एक अलहदा स्पेस बना दिया, साथ इत्र वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हैं, तस्बीहें रखती हैं, ताकि हमारे लिए रोज़ों में ये सारे काम बहुत ईजी हो सके। ये जो नमाज चादर्स हैं और जो पर्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने फ्रंट पर रख दिए हैं, बिस्तर सारे फ्रंट पे अलाइन कर दिए हैं, नीचे मैंने गारमेंट्स वगैरह अरेंज कर दिए हैं। ये सारी मेरी जो फेवरेट स्टॉल्स हैं जो मैं नमाज पढ़ने के लिए या अपने आउटफिट्स के साथ मैच करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो सारी मैंने इस तरह फ्रंट पर हैंगर कर दिए हैं,
ताकि रोज़ों में मुझे दोबारा दोबारा इन चीज़ों को ये ना कलपना पड़े। और अगर किसी ने मुझे अफ्तारी पे बुला लिया तो मैं इनमें से कोई ड्रेस भी पहनूंगी, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे जो अपने ड्रेस थे वो सारे हैंगर कर दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें तय करके नीचे रख दी हैं। तो मेरी अलमीरा भी अरेंज हो चुकी है और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम जो मैंने सोचे हुए थे ना रोज़ों में करने के लिए रोज़ों से पहले पहले वो सारे फिनिश हो चुके हैं और अब मेरे दिल को सुकून पहुँच रहा है। अब थोड़ी बहुत डस्टिंग, ये मैसी जो कपड़े हैं ये कहान की भी सारी अलमीरा वगैरह सेट हो चुकी है, उसके देने दिलाने वाले कपड़े वो मैंने निकाल दिए। अब ये थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग क्लीन करूँगी, इसका भी थोड़ा कुछ ऐसा सिस्टम करती हूँ कि जो रोज़ यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो इसमें रख दूँगी, मेरा जो मेकअप बैग है इसमें, थोड़ी सी ज्वेलरी और हेड मास्क वगैरह इसमें रख दूँगी जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ हिजाब के नीचे, और बाकी सारा कुछ इधर से क्लीन कर दूँगी ताकि ये नीट और क्लीन लगे। ये मेरे कपड़े अपने पैक कर लिए हैं। वैक्यूम अभी बेड पर फिरने वाला है। ये जो मेरी सारी चीज़ें ना जो ये है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी पड़ जाती है, तो मैं इसको गीले कपड़े साफ करने के बजाय ना वैक्यूम फेर लेती हूँ जो हैंड वैक्यूम है, इससे इतनी आराम से सफाई हो जाती है ना इसकी और ये नीट क्लीन सा हो जाता है। जाइनमास भी जितने थे घर के वो सारे मैंने वॉश कर दिए और अब बिल्कुल ये पैड ड्राई हो चुका हुआ है। अब इसको फोल्ड करती हूँ और ये भी बिल्कुल, क्योंकि रोज़ों से पहले ये काम लाजमी करना चाहिए। इतना मज़ा आता है ना जब नौफिल वगैरह पढ़ रहे हो और आप जब सजदे में जाते हो और खुशबू आ रही होती है जाइनमास में से, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो रोज़ों से पहले मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी प्रेयर मैट्स हैं ना उनको ज़रूर लाजमी वॉश भी करती हूँ और इतर वगैरह लगा के ना उनको प्रिपेयर कर देती हूँ। और जिक्र असकार के लिए तस्लियाँ भी साफ सामने रख दी हैं ताकि आराम से इजीली पकड़ें और पढ़ें। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट काम है सेल्फ क्लीनिंग का। सेल्फ क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे घर साफ़ हो तो इबादत करने का दिल करता है, वैसे ही अगर आप खुद साफ़ सुथरे हो तो जैसे कहा जाता है कि सफाई नहीं इसमें माना है, तो सफाई से बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप इबादत वगैरह करो। अच्छा, मैं ये वाला रेज़र यूज़ कर रही हूँ, कोई ये ना समझो कि मैं आदमी वाला रेज़र यूज़ कर रही हूँ। ये टिंकल रेज़र है लेकिन शेप इसकी ज़रा डिफरेंट है और इसकी सफाई भी बहुत ईजिली हो जाती है। ऐसे बैक साइड से ओपन करो और इसको आराम से आप इसका ब्लेड वगैरह हर चीज़ साफ़ कर सकते हो सेपरेट सेपरेट। और मैंने यूज़ कर लिया, मैं इसको साफ करके रखती हूँ। मैं फेस पर टिंकल इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद लेज़र करनी होती है। अगर जो लोग लेज़र नहीं करते उनको मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करती, आई डोंट नो इसका क्या इफेक्ट होगा। मैंने इसके बाद लेज़र करनी है, वो मैंने निकाल ली है, लेज़र को अटैच करना है और आराम से पूरे फेस के ऊपर लेज़र कर लेनी है। इसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ बहुत हद तक कम हो गया है, मेरा आराम से 1.5-2 महीने गुजर जाते हैं और मुँह पर कोई भी बाल नहीं आता। मुझे थ्रेडिंग या वैक्स वगैरह करवाने की पेनफुल किसी भी प्रोसीजर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सर जी, अब जितने काम मैंने सोचे हुए थे उसमें से कुछ काम मेरे हो गए हैं जो मैंने रमज़ान से पहले पहले करवाए थे। सेल्फ क्लीनिंग उसमें से एक बहुत बड़ा और बेसिक काम था। आप जब तक साफ़ सुथरे नहीं होते आपका नमाज़ पढ़ने को वैसे दिल नहीं करता, तो इसलिए अच्छा है कि आप रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए कि रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें आप अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकते हो, तो आप फजूल इधर उधर के कामों में वेस्ट ना करो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे ऐसे पर्सनल काम है वो मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम अभी ईद पे करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो अब बीच में मेरा जो रमज़ान का महीना है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। एक तो घर की फजूल सफाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप को नहीं बार बार देखना पड़ेगा कि क्या काम होने वाला है या कुछ भी, और जायनमाज़ वगैरह धुल गए हैं, पर्दे लग गए हैं, घर साफ सुथरा। घर की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए रोज़, तो फिर सफाई होती ही रहती है, डस्टिंग वगैरह तो करनी है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको रोज़ रोज़ सारी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। वो काम मेरा सारा निबट गया। फिर उसके बाद फ्रिज क्लीन हो गया। फ्रिज एक दफ़ा डीप क्लीन हो जाए ना, फिर उसके बाद अब जो बाकी सारा रमज़ान है ना उसमें इतना मैस नहीं बनेगा, उसमें अगर बन भी गया तो वो इतना नहीं होगा कि उसको इतना ज़्यादा क्लीन करना पड़े। वो भी काम मेरा हो गया। अब नेक्स्ट मेरा काम जो बेसिक है वो मैंने ग्रॉसरी लेके आनी है, और ग्रॉसरी लाकर मैंने सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप फ्रीज़ कर सकते हो ना वो सारी मैंने पहले से ही बना के रख लेनी है। मतलब मैं समोसे बनाऊंगी, समोसियाँ, रोल, इंशाल्लाह ताला उनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही बना के रख लेनी है ताकि आराम से मेरे फ्रिज में वो सारी चीज़ें पड़ी हों, मुझे रोज़ रोज़ अपनी इबादत छोड़ के घर के कामों में या कुकिंग वगैरह में सर्फ ना करना पड़े। घर में फिर मैं बेसिक एक ही खाना बनाया करूँगी और बाकी जो फ्राई करने वाली चीज़ें होंगी वो एक एक मैं साथ फ्राई कर लूँ। हम लोग ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन ये कि दिल तो करता है रमज़ान में, फिर ख़ासतौर पर दिल करता है कि पूरे साल में एक दफ़ा ही ऐसा मौका आता है कि आप लोग खुल के ज़रा कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया होता है, थोड़ी बरकत डल जाती है रमज़ान में। तो ये आप नेक्स्ट काम करती हूँ, ये वाले काम मेरे आप सारे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी लिस्ट के बाकी सारे काम आपके साथ साथ कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
चलें जी, अब रमजान का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक काम के जाना है और ग्रोसरी लेके आनी है। जो जो चीजें सोची हुई थी, जो चीजें बना के रखने के लिए फ्रीज कर लिया, उनके लिए भी सामान आने वाला है और वैसे भी घर के लिए ग्रोसरी आने वाली है। तो लेट्स गो एंड बाय। अलहमदिल्ला मैं राशन वगैरह लेके आ गई हूँ। वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, इतने ज़्यादा रश था और लोग थे। अब मैं जल्दी जल्दी इसको समेटती हूँ, फिर उसके बाद खाने वगैरह का भी कुछ करना है और उसके बाद मैं रोल पट्टियाँ लेके आ गई हूँ। मुझे अच्छी भली पैकेट में पैक हुई हुई मिल गई, मुझे खुद ही बेलनी पड़ेंगी और मैं इसके बाद समोसियाँ वगैरह चीज़ें वगैरह पैक करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब मेरा बेसिकली काम यह है कि मैंने सोचा हुआ था कि जितनी भी ये मेरे ड्रॉर्स हैं और ये सारी चीज़ें ना, इनको एक दफ़ा नीट क्लीन करना है, दोबारा से टैग लगाने को चीज़ों का ना, मैंने धोए थे तो वो मिट गए हुए हैं, उनको सारों को दोबारा करना है, सारी चीज़ों को फिल करके रखना है और ये जितने मेरे दराजा हैं इनको दोबारा रीअरेंज करके ना साफ़ सुथरा करके तो सेट करना है, तो साथ साथ करते हैं। अलहमदिल्ला मेरे सारे काम जो थे, जो मैंने लिस्ट में लिखे हुए थे, सिवाए जो फ्राई चीज़ें बनाने वाले हैं, उसके अलावा बाकी सारे काम माशाल्लाह से मेरे काम खत्म हो गए हैं और सारे बहुत अच्छे तरीके से हो गए और टाइमली हो गए। आज मैं अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ चाय और साथ में कर रही हूँ बॉयल एग। अंकली कर रही थी तो मैंने उसके पापा के लिए और अपने लिए भी कर लिया जी, मेरी चाय भी बन गई है, चाय इंजॉय करते हैं साथ के हाथ के हाथ। मैंने आलू वगैरह बॉयल कर लिए हैं, अब इसके बाद मैंने सिर्फ क्या करना है, एक तो किचन के जो कैबिन्स हैं ये सारे बाहर से क्लीन करने वाले हैं, अंदर से सारे हो गए हैं लेकिन ये बाहर से एक दफा क्लीन हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजर जाएगा। मैंने क्या किया है कि ये एक वॉश क्लॉथ लिया, उसके ऊपर मैंने फेरी डाली है बटन धोने वाली, सात बार सा मीठा सोडा डाला और ऊपर सिरका किया है, इससे मैं अभी ये थोड़ा सा फूल जाएगा ना, इसके ऊपर डला डला ये थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा, तो फिर इसके बाद मैं इसको वेब पर चढ़ा के तो ये सारे साफ कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी चेकलिस्ट पे सारे टिक लगा रही हूँ, जो मेरे काम सारे हो गए हैं और इतना सुकून दिल को महसूस हो रहा था ना कि मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं फाइनली। लेकिन अब सिर्फ सबसे बड़ा और मेन काम रह गया है कि जो फ्राई वाली चीज़ें हैं, जो रेडी टू कुक या रेडी टू फ्राई चीज़ें होती हैं, वो मेरी बनाने वाली रह गई हैं, सिर्फ वो एक चीज़ है, उसको मैंने इनसर्कल कर लिया है कि वो मेरा आपका एक काम रह गया, वो मैं करती हूँ। हम लोग अब बैठ के अपनी चाय सा इंजॉय करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी और नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं फ्राई की चीज़ें क्या क्या बना के स्टोर करने वाली हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।